नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नौ सेऊण की। जैव विविधता संरक्षण उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, जल संरक्षण भी इसका एक भाग है। आज हम बात कर रहे हैं नौला पूजन या नौ सेऊण का। इस धार्मिक रिवाज को कुमाऊनी भाषा में नौ सेऊण कहते हैं। पहले आपको जानना चाहिए कि नौला पूजन कब किया जाता है। आपको बता दें कि जिस धार्मिक अनुष्ठान में कलश की स्थापना होगी और मातृका पूजन होगा, तो उन अनुष्ठानों में नौला पूजन या नौ सेऊण कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। अब गांवों में नौले तो लगभग विलुप्त की कगार पर हैं। अब नौले का स्थान नल या हैंडपंप या कुएं ने ले लिया है। इस कार्यक्रम में कुंवारी लड़कियां मातृका पट्टी अपने सिर पर रख कर ले जाती हैं तथा कलश को शादीशुदा लड़कियां ले जाती हैं। पानी की पूजा अर्चना की जाती है। शादी में दुल्हन कलश को ले जाती है, नौले का पूजन होता है। फिर अगर शादी का कार्यक्रम है तो दुल्हन पूजा के बाद कलश भर करके घर को लाती है और वह पानी जो कलश में होता है उसे घर के सभी सदस्यों को पिलाती है। इस कार्यक्रम में मंगल गीत गाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्य किया जाता है। अक्षत से जल का अभिषेक किया जाता है, सभी को भेंट दी जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। आप भी आज आनंद लीजिए नौला पूजन कार्यक्रम का, या जिसे कुमाऊनी भाषा में नौ सेऊण कहते हैं। ये किस प्रकार संपन्न होता है, आइए देखते हैं। Sitara sun, kai koi milai.
तुम्हारे नीला चंद्र तुम्हारे तारे
करो ना श्याम तेरो बेलो है को श्याम तेरो गाहे को डंडा बन वायो रघुवीर गाहे को डंडा बन वायो रघुवीर सोने को श्याम तेरो बेला बनो है सोने को श्याम तेरो तुमसे पूछो हे गंगा मैया मैं तुमसे पूछो कहाँ छिपाए हमारे रघुवीर कहाँ छिपाए भले रघुवीर तेरो लग मेरे अंदर छिपो है तेरो रघुवीर मेरो मन में छिपो है सारा टटोला हमारो जलनीर सारा टटोला जल लगू मंदिर को जाना है ना तो भरी गया ये